माना के दुश्मन है ताकतवर, दूर से हम भगाएंगे। जीते थे जो खुशहाल जिंदगी, वापस उसे हम पाएंगे। सर बहुत बहुत बधाई, आप जो है लखनऊ में स्टूडियो ओपनिंग किए हैं, और क्या पर्पज है आज लखनऊ में इस्टेब्लिश करने का, उसके बारे में कुछ बताया। सबसे पहले तो मैं सभी देखने वाली हमारी जनता और हमारे देशवासियों को मैं वी के सिंह म्यूजिक डायरेक्टर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये एक ओंकार रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और यहाँ पर हमारा संगीत से रिलेटेड सारा काम होता है, मूवी एंड एल्बम BGM, फॉली और एल्बम सॉन्ग्स, जो भी संगीत से रिलेटेड सारा होता है। और हमारे मिक्स मास्टरिंग इंजीनियर दीपक सोनी उसमें अपना मैजिक दिखाते हैं मिक्सिंग करके, साउंड इंजीनियर हमारे। और हमारा यहाँ का उद्देश्य ये है कि जो भी संगीत से रिलेटेड हमारे यहाँ पे लखनऊ में भी जो रहने वाले हैं और हमारा ये स्टूडियो गोमती नगर यहाँ आए, अगर उनमें कोई टैलेंट है तो हमने एक ये भी चीज़ शुरू की है कि उनके टैलेंट के आधार पर हम उनका फ्री में गाना बनाएंगे, जिनके अंदर टैलेंट होगा एक्चुअल में। क्योंकि देखिए ऐसा होता है 10 में से 12, 12 में से 13 में से कोई ना कोई तो एक टैलेंटेड होता ही होता है, तो हम उनका यहाँ पे एक एल्बम अपने तरफ से फ्री में बनाएंगे। और बाकी जिनको अपनी मूवी से रिलेटेड कोई काम है, सॉन्ग्स अपने और बॉलीवुड भोजपुरी इंडस्ट्री और जिस लेवल का भी उनको गाना चाहिए, वो हमारे यहाँ कंपोज अरेंज होता है। और अपनी मूवीज़ के बैकग्राउंड BGM फॉलीज संगीत से रिलेटेड जितना भी किसी भी जॉनर का काम, बाकी हमारे मिक्स मास्टर इंजीनियर दीपक जी आपको बताएंगे। क्या एक्चुअली क्या होता है कि जो मुंबई में काम मिलता है, ठीक है, एक्चुअली हमारे पास जितने भी है सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, सब ने मुंबई भी काम किया हुआ है, सर ने तो वर्ल्ड लेवल का काम किया हुआ है। अब मैंने भी मतलब मुंबई यहाँ पे इनके सब काम किया हुआ है, हम जयपुर में बहुत काम किया हुआ है, साथ ही साथ नेपाली इंडस्ट्री में भी है बहुत हमारा काम। तो हम ये चाहते हैं कि लोग अब अपने स्टेट में काम करना चालू करें, जो भी काम चल रहा है वो मुंबई जाते हैं, उनकी क्वालिटी हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे उनको। जैसे अब 5.1 चलता है जो ज़्यादातर मुंबई में ही चलता है, तो उस चीज़ को हम अब यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, हम यहाँ पे उनको वो क्वालिटी हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे। नहीं ऐसा होता है कि मतलब यहाँ से सिंगर भाग के मुंबई जाता है काम करता है, तो उनके लिए लोकल कलाकार के लिए यहाँ एक अच्छा पोजीशन में या कुछ मिलेगा। सही बात है, जितने भी अब वही अभी सर ने जो बताया हम लोग सपोर्ट करेंगे। एक्चुअली हमारा ऐसा सीन अभी बन रहा है कि हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट भी कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट में अब क्या रहेगा कि आपको म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो आपको सब चीज़ यहाँ पे सिखाई जाएगी। और प्लस आप अगर फाइनेंशियली आप कमज़ोर हैं, ठीक है, आप हमसे आइए बात करिए। अगर आप में टैलेंट है, आप में वो इच्छा है, वो जुनून है, आप सीखना चाहते हो, तो हम लोग आपको वो चीज़ हम फ्री में करवाएंगे। और ऐसा नहीं कि फ्री में करवाएंगे ही नहीं, उसके साथ साथ हम उनको अपनी टीम में भी इंक्लूड करेंगे। जैसे हमें टीम बढ़ाएंगे, टीम बढ़ाते जाएंगे तो लोग वही ऑटोमेटिकली जुड़ना चाहेंगे चीज़ों से। तो अभी ये प्लान है हमारा, काफ़ी अच्छा अभी स्टार्टिंग किया है, अब बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अभी बहुत ऊपर तक जाने का प्लान है, देखते हैं क्या चीज़। आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ। अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट हाल में यहाँ से चल रहे हैं उसके बारे में? हाल ही में हम लोग एक वेब सीरीज आ रही है शादी के लड्डू, जिसका एज अ म्यूजिक डायरेक्टर मैं हूँ विकी सिंह, और हमारा इसका टाइटल सॉन्ग कंपोज हो गया है। और उम्मीद है कि पब्लिक को बहुत पसंद आएगा, और हमें कोशिश है कि ये शादी का लड्डू की जो ऑल टीम है उनकी मेहनत और हमारी म्यूजिक की मेहनत मिल के जब एक अच्छी चीज़ बाहर आएगी, मास्टरपीस तो आई थिंक कि पब्लिक को पसंद आएगा। बात कर रहे हैं आप कंपोजर भी हैं, तो क्या एक लाइन जो है गुनगुना के अपने अंदाज में, सायराना अंदाज में, जो आपको बहुत अच्छा पसंद गाना हो उसके? नहीं, अभी जैसे रिसेंटली जो शादी का लड्डू है हमने अभी कंपोज किया। नहीं उसको कंपोज ठीक है किया, लेकिन अभी आउट नहीं करना है, लेकिन कुछ जो आपको बहुत पसंद है गाना, जो बहुत अपने दिल के लगे हों, ऐसा कुछ गाना? एक हमारा अभी जो कोविड पे निकला था हमारा जीत जाएंगे गाना, कोरोना पे वो निकला हुआ है अभी, जिसमें काफ़ी लोग, काफ़ी स्टेट के एक्टर एक्ट्रेस ने उसमें सपोर्ट, जैसे मुकेश खन्ना जी हो गए उसमें है, अपने सुनील पाल जी है, गुलशन पांडे जी है, ऐसे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस राजस्थान के, अपने यूपी के, बिहार के, ये सब है। तो वो गाना हम लोगों ने, ये जो पैंडेमिक चल रहा था उसके आधार पर हमने ये गाना किया था। तो
तो इसके लिरिक्स शैलेश जी ने लिखी थी एंड हमारे साउंड इंजीनियर जी ने मिक्सिंग किया था और इसको गाया था हमारे विमान जो हमारे मेन सिंगर है बट कंपोजर हमने किया था मैंने एंड ये गाना ऐसा था कि माना के दुश्मन है ताकतवर दूर से हम भगाएंगे जीते थे जो खुशहाल जिंदगी वापस उसे हम पाएंगे समथिंग ये लाइन है तो आप समझ गए होंगे आप इस चीज को यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे जीत जाएंगे तो हमारा गाना ही आपको सुनने को मिलेगा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग चैनल बात करने के लिए थैंक यू थैंक यू